जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुवार को हुए आतंकी हमले में पंजाब के 4 जवान शहीद हुए हैं और 1 उड़ीसा के जवान हैं। उनमें से गुरदासपुर के तलवंडी भारत निवासी हरकिशन सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच गया है। हरकिशन सिंह 2017 में सेना में भर्ती हुए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 1 3 साल की बच्ची है। हरकिशन सिंह फरवरी में ही 1 माह की छुट्टी काटकर वापस अपनी ड्यूटी पर लौटे थे। शहीद हरकिशन सिंह के पिछली 4 पीढ़ियां भारतीय सेना की सेवा कर रही हैं। शहीद हरकिशन सिंह को अपने गांव से बेहद लगाव था। वो जब भी गांव आते थे तो गांव के स्कूल में जरूर समय बिताते थे, शिक्षकों से बात करते थे। हरकिशन सिंह हसमुख स्वभाव के इंसान थे। उनके जाने से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। उनकी माँ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। पत्नी दलजीत कौर का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी दलजीत कौर का कहना है कि उनकी गुरुवार को अपने पति हरकिशन सिंह से वीडियो कॉल पर बात हुई थी, फिर गुरुवार को ही देर शाम उनके शहीद होने की सूचना मिल गई। शहीद हरकिशन के पिता मंगल सिंह का कहना है कि उनको बेटे की शहादत पर गर्व है। मंगल सिंह खुद सेना में थे, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। पुंछ के आतंकी हमले में शहीद हुए 4 जवानों के परिवारों को पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता करने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद इसकी घोषणा की है। पुंछ के आतंकी हमले में पंजाब के सिपाही हरकिशन सिंह के अलावा हवलदार मनदीप सिंह, लांस नायक कुलवंत सिंह और सिपाही सेवक सिंह शहीद हुए हैं। इन शहीदों का आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भारत माँ के वीर सपूत शहीद हरकिशन सिंह को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए शिवालिक जर्नल कोटि कोटि नमन करता है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।